आज नारियल पानी पीने का बहुत मन कर रहा है, इतना धूप जो दे रहा है। और वैसे भी नारियल पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन तो कूट कूट के भरा है नारियल पानी के अंदर, मैग्नीशियम पोटेशियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारा भाई। आप लोग भी नारियल पानी पिया करो भाई, तंदुरुस्त रहोगे। नारियल पानी तो हम लोगों ने पी लिया भाई, लेकिन उतना मीठा नहीं था जितना मैंने सोचा था। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम सो बैक टू माय नेक्स्ट अंदर ब्लॉग भाई। वैसे आज हम लोग जा रहे हैं इस गड्डी को वॉश करवाने, बहुत दिनों से नहलाया नहीं मैंने, जब से दार्जिलिंग गया तब से मैंने इसको नहलाया नहीं, और कुछ दिनों से इतना धूप दे रहा है ना, ब्लॉग बनाना तो मुश्किल हो गया भाई, मतलब बाहर निकल ही नहीं पता मैंने, इतना गर्मी है। फिर भी आज भगवान का नाम लेके मैं तो घर से निकल गया भाई, पता नहीं मेरा क्या हालत होने वाला है आज भाई, कितना पसीना आ रहा है मेरे पैरों से, कपड़ों से, पैरों से, चड्डी से। यहाँ पे कितनी ठंडी सी मस्त हवा रही है यार, पहले तो मुझे लगता था बाइक चलने से ना गर्म बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन अभी पता चला भाई बाइक चलने से कितना पसीना निकलता है। मुझे नहीं लगता है खाली है, पता नहीं पूछ के देखते हैं। इतना गंदा हो गया इधर तो, पूरा मिट्टी मिट्टी हो गया किचर। आप जगह लग रहा है ना सेक्सी एंड हॉट, और पीछे का जो मेरा पैर है ना वो भी तगड़ा हो चुका है, एक या दो महीने ही चलेगा इसको भी बदलाना पड़ेगा उसके बाद। पिछले बार जब हम वारी झोरा के लिए निकले थे ना, तब हम लोग यहाँ से वापस चले गए थे, उसके बाद आज फिर से निकल चुके हैं हम लोग वारी झोरा देखने के लिए, लेकिन इस बार बिना देखे तो रिटर्न जाएगा इस नहीं। और यहाँ का ऐसा जितना भी गेट है ना वो सुबह 6 बजे को खोलता है और शाम के 6 बजे को बंद होता है, और यहाँ का जो रास्ता है ना वो रात के लिए बहुत रिस्की है, क्योंकि यहाँ से ना हाथी वगैरह निकलता रहता है, इसी कारण इस रास्ते से ना रात को गुजरना होना है भाई। को हुई हरारत रातों को करे शरारत, बैठा है खिड़की पे तेरी, आए इस बात पे चांद भी बिगड़ा। कितना भयंकर रास्ता यार, बस जंगली जंगल, अगर यहाँ पे कुछ होता है ना तो कुछ भी हेल्प नहीं मिलेगा भाई, और यहाँ का जो रास्ता है ना वो बहुत खराब है भाई, कुछ ज्यादा ही खराब है भाई। चलाते चलते मेरा हाथी दर्द करने लगा भी, देखो कैसा लाल हो गया टमाटर की तरह लाल पीला हो चुका है मेरा हाथ। अरे भाई इतना छोटे से रास्ता में इतना बड़ी गाड़ी आएगा तो रास्ता खराब नहीं होगा तो क्या खराब होगा भैया। माय गॉड किचर, अभी अभी तो मैंने बाइक धोया था, अभी फिर से गंदा हो जाएगा यार, कोई ना यार चलता है। दुआ करता हूँ बस पीछे का टायर स्लिप ना करे यार, अगर गलती से भी स्लिप हो गए ना तो भाई मेरा पूरा कपड़ा गंदा हो जाएगा। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I give my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. वहाँ का सब यार भयंकर रोड है, अबे यार ऐसा लग रहा है डिस्कवरी सीरियल का सांप पकड़ने के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे यार, कितना भयंकर जंगल है मैन। Take a stand for the people.
जैसे तैसे करके हम लोग यहाँ पे पहुंच तो गया और यहाँ पे कर लिया हम लोगों ने बाइक पार्क, और जो पार्किंग फीस है वो 30 रुपीज है बाइक का। एंड अभी हम लोगों को इस जंगलों के बीच से 1.5 किलोमीटर पैदल जाना है मैन। और यहाँ का जो रास्ता है ना वो बहुत छोटा है, और अगर बड़ा होता तो अच्छा होता। कुछ दिनों से वारी झूरा इतना फेमस हो रहा है ना, बाहर से भी टूरिस्ट लोग आ रहे हैं देखने के लिए। और ये जो टूरिस्ट लोग है ना, कितना गोरा गोरा खूबसूरत लोग है यार, कितना भयंकर रास्ता है यार। कोई कोई तो धीरे धीरे उतर रहा है, और कोई कोई ऐसे उतर रहा है ना जैसे कि मानो बंदरी हो। ये क्या देख रहा हूँ मेरे भाई, इतना सारा लोग, ऐसा लग रहा है कि फेस्टिवल हो रहा है। वारी झोरा के चक्कर में खून पसीना कर लिया। मन तो कर रहा था यहाँ पे और रुकूं, लेकिन घर भी जाना है वापस, तो इसी कारण निकलना पड़ गया भाई। आज यहाँ पे नहीं रह सकता, सो आज के लिए बस इतना ही। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, नेक्स्ट ब्लॉग पे। ओके जानो तू धीम धीम ना, धीरे धीरे जरा दम लेना, प्यार से जो मिले गम लेना, दिल पे जरा वो बम लेना। ओके जानो तू धीम धीम ना।